मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो इस क्लास में चार क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे और पिछली क्लास में क्वेश्चन 10 तक कंप्लीट करवाए थे। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में चार क्वेश्चन जो बचे हुए हैं एक्सरसाइज 10.3 के, उनको कंप्लीट करवाएंगे। देख लो, क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 12, 13 एंड 14। पिछली क्लास में हमने आपको ये भी बताया था कि जैसा क्वेश्चन 11 सॉल्व होगा वैसे ही 12 होगा सॉल्व, 13 होगा और 14 होगा। कहने का मीन्स है इन चार क्वेश्चन का सेम सॉल्व है। आपको ये भी बताएंगे कि क्वेश्चन में फार्मूला कौन सा लगेगा। तो लाइक आई कर दो भाई सभी स्टूडेंट, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। क्वेश्चन 11 की हम बात करेंगे। यहां पर बोला गया इफ जेड के इक्वल इतना है और यू के इक्वल इतना है, वी के इक्वल इतना, आगे लिखा है सो दैट इतना इक्वल इतना, मीन्स प्रूव करना है इतना इक्वल इतना। आगे लिखा है इज इक्वावेलेंट टू डेल जेड अपॉन डेल वी इक्वल जीरो, तो इसका भी यूज होगा। जब इसको प्रूव करोगे ना ये, तो इसका यूज होगा। अब आपको बताना है कि क्वेश्चन 11 में कौन सा फार्मूला लगेगा। बताइए भाई, कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन 11 में कौन सा फार्मूला लगेगा। अब नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा लगेगा, भाई हमने फार्मूले लिखाए हैं ना एक्सरसाइज 10.3 के। कितने फार्मूले लिखाए हैं? टोटल 6 लिखा है। बताओ 6 में कौन सा फार्मूला इस क्वेश्चन में लगेगा। बताते हैं भाई, अगर बुद्धि में नहीं है कोई बात नहीं है। पता कहां से चलेगा कि फार्मूला कौन सा लगेगा। हम आपको बताते हैं, ये फंक्शन है ना जेड के इक्वल यू कमा बी, इस फंक्शन से पता लगेगा। और यू के इक्वल एंड वी के इक्वल जो गिवन है, यहां से पता चल जाएगा कि फार्मूला कौन सा लगेगा। यू जो मेरे पास है वो किस में है? एक्स एंड वाई में। अगर हम बी की बात करें, बी वाई है, तो आपको पता है जहां वाई है वहां एक्स भी होगा भाई, क्योंकि यू की जो आंसर शीट है वो एक्स एंड वाई में वेरिएबल में। तो बी की आंसर शीट केवल वाई दिख रहा है, लेकिन एक्स और ले लेते हैं क्योंकि यू के रिलेटिव ही बी होता है। समझ गए? अब पता चल जाएगा। देखो कैसे, अगर हम फार्मूले की बात करें, सभी स्टूडेंट समझना है, क्योंकि समझ नहीं पाओगे तो क्वेश्चन एक नहीं सॉल्व होगा, 11, 12, 13 एंड 14। और साथ में हम एग्जांपल 8 भी ले लेते हैं, एग्जांपल 8। अगर आपके पास डॉक्टर विनोद कुमार राइटर की बुक अगर ये है, तो एग्जांपल 8 आपको देख लेना है। अब देखो फार्मूला नंबर पाँच देखो, यही लगेगा। जैसे हमने फार्मूला नंबर 5 में क्या लिखा था, यू के इक्वल जो फंक्शन था एक्स एंड वाई वेरिएबल में। फिर हमने कंडीशन आपको बताई थी, कंडीशन एक्स के इक्वल 5 1 t1 t2 एंड वाई के इक्वल हमने 5 2 लिया था t1 t2। अब देखो एक्स की आंसर शीट t1 एंड t2 में है, वाई की आंसर शीट t1 t2 में, तो ऐसे ही यहां पे यू की आंसर शीट एक्स वाई में है और वी की आंसर शीट एक्स वाई वेरिएबल में है। तो इससे ये पता चल गया यही फार्मूला लगेगा t1 के लिए। पहला फार्मूला था t1 के लिए। देखो कैसे, आपको क्या करना है, ये फंक्शन लेना है, डेल यू अपॉन डेल t1 लिखना है। पहला फार्मूला t1 के लिए, देखो कैसे लिखा जाता है, डेल यू के अपॉन में। अब यहां पे मल्टीप्लाई और डिवाइड लगाना है। जैसे अगर हम t1 की बात करें, किसकी बात करें, t1 की बात करें,
तो x एंड y, पहले टर्म में x मतलब डेल x का मल्टीप्लाई डिवाइड लगाना है, ठीक है, क्योंकि अगर t1 की बात करें इसमें भी है इसमें भी है, तो x और y के इक्वल है t1, समझ गए। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ऐसे करके इस फार्मूले को लिखते हैं, सेकंड टर्म y के लिए हो जाएगा, कहने मतलब है डेल y का इंटू डेल y का डिवाइड। तो हम कैसे लिखेंगे, डेल u के अपन डेल y इंटू में डेल y के अपन डेल t1, ठीक है, t1 के लिए हो गया। फिर सेकंड जो फार्मूला होगा t2 के लिए होगा, क्योंकि x की आंसर शीट t1 एंड t2 में है और y की भी है, दो वेरिएबल है ना t1 t2। तो t1 के लिए ऐसे आपने लिखा, t2 के लिए भी ऐसे ही लिखना, समझ गए, x एंड y के लिए। देखो कैसे, अगर हम बात करें डेल u के अपॉन डेल t2, समझ गए, अब डेल u के अपॉन डेल x इंटू में डेल x के अपॉन में डेल t2 प्लस डेल u के अपॉन डेल y इंटू में डेल y के अपॉन डेल t2, ये दो फार्मूले लगेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। देख लो, कंडीशन से पता चल रहा है कि इस क्वेश्चन में ये फार्मूला लगेगा, जैसे u है x y में, यहाँ पे x है t1 t2 में, b यहाँ पे y है, हमने आपको बताया x भी ले लो, तो b भी x y में है और y t1 t2 में है। कंडीशन से पता लग जाता है कि फार्मूला कौन सा लगेगा। तो पहला फार्मूला लगाना है तो इक्वेशन फर्स्ट डालना है, मतलब क्वेश्चन में, दूसरा जो फार्मूला लगाना है इक्वेशन सेकंड डालना है, समझ गए। ये जो प्रूफ दैट है मेरे प्यारे बच्चों, समझो, ये प्रूफ दैट है, इससे पता नहीं चल पाएगा कि फार्मूला कौन सा लगेगा, मतलब आंसर शीट से नहीं पता चलेगा, तो आपको आंसर शीट देखना भी नहीं है, आंसर शीट आपको देखना भी नहीं है, पता ही नहीं चल पाएगा कि फार्मूला कौन सा लगेगा। वो अपने आप ये प्रूव हो जाएगी, आंसर शीट ये वाली अपने आप प्रूव हो जाएगी, केवल ये पता करो फंक्शन से और कंडीशन से फार्मूला कौन सा लगेगा, आंसर शीट से नहीं मतलब है, चाहे क्वेश्चन 11 की बात करें, चाहे 12 की बात करें, चाहे 13 की बात करें, चाहे 14 की बात करें, आंसर शीट ना देखना, वो तो अपने आप आ जाएगी केवल फंक्शन और कंडीशन से, समझ गए, आंसर शीट अपने आप आ जाएगी, ये मेरा आपसे वादा है। अब इसको हम रफ करेंगे, फार्मूला तो पता चल गया ना कि कौन सा लगेगा। देखो पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे गिवन दैट, तो देख लो इसका सॉल्व। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन 11 का सॉल्व समझ लिया तो क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 14 एंड एग्जांपल 8 हो जाएंगे अपने आप, केवल इसे समझ लो। तो हमने लिखा है गिवन दैट, और यहां पे लिखा भी है इफ, तो जेड के इक्वल फंक्शन है यू एंड वी में, ठीक है, फिर इसके बाद में हमको कंडीशन दे दी गई है, क्या दे दी गई है, कंडीशन यू जो है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स वाई माइनस का वाई स्क्वायर, फिर वी के इक्वल दे दिया गया है वाई, ये कंडीशन है, जैसे वहां पे कंडीशन, ठीक है, दो, यहां पर भी दो। आपने T1 के लिए वेरिएबल x एंड y यूज किया, पहले टर्म में मल्टीप्लाई डिवाइड, दूसरे टर्म में y का मतलब डेल y का मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ऐसे ही यहां पे ढूंढो। तो आपको यहां से मिला था T1, तो देखो यहां पे क्या करेंगे, u के इक्वल देखो x y है, तो x के लिए काम करना है, x पकड़ लिया, x पकड़ लिया, जैसे आपने T1 पकड़ा, T1 से x और y ले लिया, तो हमने x से हमने u और b ले लिया, ठीक है, मतलब डेल u का फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई डिवाइड देना है, और x के लिए एक फार्मूला हो गया, समझ गए, सेकंड टर्म में डेल v का मल्टीप्लाई डिवाइड लगाना, समझ गए, x के लिए आपको u भी यूज करना है, जैसे T1 के लिए x y यूज हुआ, देखो यहाँ पर। अब आपको क्या करना है y के लिए, जैसे T1 के लिए हो गए, अब T2 के लिए ये वाला है, तो ऐसे ही यहाँ पे वेरिएबल y हो रहा है मेरे पास, तो जब y के लिए हम काम करेंगे
वेरिएबल तो यू और बी यूज करना है, फर्स्ट टर्म इससे हो जाएगा और सेकंड टर्म इससे हो जाएगा, ऐसे आपको पता करना है। अब देखो फार्मूला कैसे बनेगा, ये भी जानकारी होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट, क्या लिखेंगे, वी नो दैट। हमने क्या बोला है, जैसे टी वन के लिए एक फार्मूला हुआ था, एक्स के लिए हम फार्मूला लिखेंगे, पहले फंक्शन आपको लेना है, जेड है तो डेल जेड के अपॉन में आपने क्या लिख दिया, इसको लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यू है डेल यू का मल्टीप्लाई डिवाइड देना है, तो ये फंक्शन तो ऐसे रखो, ठीक है, फिर इनटू में डेल यू के अपॉन में ये जो एक्स है ऐसे रखो, फिर प्लस। अब बी के लिए तो पहले फंक्शन हो गया, फंक्शन ये वाला जेड, फिर बी है ना, ये लो डेल वी के अपॉन में ये वाला डेल एक्स, समझ गए। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे, ठीक है, और दो ही इक्वेशन से ये आंसर शीट प्रूव हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, डेल जेड के अपॉन डेल एक्स ऐसे रखेंगे और डेल जेड के अपॉन डेल यू ऐसे रखेंगे। अब काम करना है किसके लिए, देखो ये डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो यू गिविन है ये देखो, और ये क्या है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, तो वाई कॉन्स्टेंट होगा, ये जीरो हो जाएगा, यहाँ से कितना मिलेगा हमको, टू एक्स मिलेगा, और क्या मिलेगा, एक्स का वन हो गया माइनस का टू वाई मिला, ठीक है, ओके। और चाहो तो यहाँ पे इनटू कर लो, ठीक है। अब प्लस डेल जेड के अपॉन में डेल वी, अब यहाँ पे आ जाओ, डेल बी अपॉन डेल एक्स की आंसर शीट क्या है, यहाँ से निकालो, तो आपको पता है यहाँ पे एक्स है ना वेरिएबल, तो वाई कॉन्स्टेंट होगा तो इसका जीरो, और डेल जेड अपॉन डेल वी हमने बताया था इसका भी यूज होगा, तो डेल जेड अपॉन डेल वी की आंसर शीट रख लो जीरो, क्योंकि बोला है इक्वावेलेंट, मतलब इक्वावेलेंट का मतलब होता है समरूप, ठीक है, तो जीरो। चाहो तो ये वाला सिंबल यूज कर लो, डॉट वाला यूज कर लो चाहे क्रॉस वाला, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सभी स्टूडेंट समझे, चाहे डॉट का यूज कर लो चाहे क्रॉस का। अब जो आंसर शीट निकली है डेल जेड के अपॉन में डेल एक्स की, तो यहाँ पे टू कॉमन ले लो, तो एक्स माइनस का वाई और डेल जेड के अपॉन में डेल यू, ठीक है, डेल यू है ये, इसे इक्वेशन क्या डाल लो, फर्स्ट डाल लो, ओके। हमने बोला था एक्स के लिए एक बन जाएगा इक्वेशन, फिर वाई के लिए, अब इसे रफ कर दें, पता तो चल गया ना, जैसे हम ऐसे लिखें, समझ गए, ऐसे लिखें, समझ जाओ कि एक्स के लिए एक इक्वेशन और वाई के लिए, और यू वी यूज करना है, जब एक्स के लिए इक्वेशन बनेगा तो यू वी यूज करना है, समझ गए, ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे सारे। अब इसको हम रफ कर देते हैं, क्योंकि ये फार्मूला आपको याद ही होगा, तो दिक्कत नहीं है फार्मूला बनाने में। अब देखो यहाँ पे हम बाई के लिए काम करेंगे, ये बाई है, पहले फंक्शन लेना है, ये जेड हमने लिखा डेल जेड के अपॉन, ये बाई यूज करना, ठीक है, फिर इक्वल में फर्स्ट टर्म इससे होगा, तो पहले फंक्शन फिर इसका मल्टीप्लाई डिवाइड अपॉन में ये जो है ना इसको लिखो, फिर प्लस। अब बी के लिए लिखो, तो पहले फंक्शन फिर ये आ गया डेल वी, फिर ये आ गया और ये वाला नीचे, बस। अब देखो डेल जेड के अपॉन डेल यू ऐसे ही रखेंगे, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई, भाई निकालो भाई, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई के, तो ये जीरो हो जाएगा, यहाँ से वाई का बन होगा माइनस का टू एक्स मिला, माइनस क्या मिला, टू एक्स। अब वाई स्क्वायर का क्या होगा, टू वाई होगा ना, यहाँ पे हमने लिखा टू वाई, ओके। यहाँ पे देखो डेल जेड अपन डेल वी की आंसर शीट रखो, ये जीरो, डेल बी अपन डेल वाई यहाँ से निकालो, बन होगा ना वाई का करोगे, ठीक है, तो यहाँ से अगर माइनस का टू कॉमन ले लो, तो एक्स प्लस का वाई और डेल जेड के अपन डेल यू, डेल जेड के अपन क्या है, डेल यू, ठीक है, ये आंसर शीट निकली है डेल जेड के अपन में डेल वाई, डेल जेड के अपन में डेल वाई, इसे इक्वेशन क्या डाल दो, सेकंड डाल दो, ठीक है। हमने बोला था कि आंसर शीट अपने आप आ जाएगी, केवल गिवन दैट से पता चल जाता है फार्मूला कौन सा लगेगा। अब क्या करो, LHS ले लो, LHS लेके चलो RHS निकाल दो। तो जब हम LHS की बात करेंगे, तो मेरे पास क्या है, x प्लस का y और डेल z के अपॉन में डेल x, फिर क्या है प्लस x माइनस का y डेल z के अपॉन में डेल y,
सभी बच्चे लिखें। अब देखो हम किसका यूज़ करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट का, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ये है बलू डाल दो ये वाली। तो जैसे ही हम डालेंगे इनटू में इतनी बलू जितनी है उतनी लिखो, डेल जेड के अपॉन डेल यू, डेल जेड के अपॉन डेल यू। फिर देखो यहाँ पे एक्स माइनस वाई, इसकी वैल्यू इक्वेशन सेकंड से यूज़ कर लो, डेल जेड अपन डेल वाई है, यहाँ पर भी डेल जेड अपन डेल वाई है, देख लो। जब वैल्यू डालेंगे माइनस का टू और एक्स प्लस का वाई, ओके, और डेल जेड के अपन में डेल यू आपको लिख देना, और ये जो यूज किया ना तो यहाँ पे लिख दो वाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड का यूज किया, ठीक है। अब डेल जेड अपन डेल यू यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी कॉमन ले लो, और टू कॉमन मिला है ये भी ले लो, टू भी कॉमन मिला है, ठीक है, कॉमन ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं, इसको हम रफ करते हैं। अब तो आंसर सीट हमको ये जीरो लानी है, ठीक है, जीरो तो आ ही जाएगी, नोट करो, तब तक हम इस साइड रफ करते हैं, समझ लेना है क्वेश्चन 11 का सॉल्व, क्योंकि अगर ये समझ गए ना तो क्वेश्चन 12, 13, 14 हो जाएंगे। देखो अब हम क्या करेंगे, टू कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों में है, फिर इसके बाद में हमने क्या किया, डेल जेड के अपॉन डेल यू ये कॉमन ले लिया, यू है यू लिखो, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा, ये बचा ये बचा, तो ए प्लस बी ए माइनस बी लगा लो, या फिर पहले ऐसे ही लिख लो बाद में देख लेते हैं, ऐसे लिख लो, ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस हो गया, ये प्लस का ये माइनस का ब्रेकेट है, तो हम क्या करेंगे एक्स प्लस का वाई इंटू में एक्स माइनस का वाई, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ से यहाँ तक देखो और यहाँ से यहाँ तक देखो, ये तो सेम है, देख लो सेम है, तो ये प्लस का ये माइनस का काट लो अभी, अगर अभी नहीं काटोगे तो बाद में काटना, मतलब फार्मूला लगा लो ए प्लस बी ए माइनस बी का, ये फार्मूला लगा लो तब काटो, ऐसे कट तो रहा है, तो कितना मिला जीरो मिला, यहाँ से कट गया ना, ये प्लस का ये माइनस का क्या मिला, डेल जेड के अपॉन में डेल यू, तो आंसर सीट हमको क्या पता चली, जीरो, और यही हमको निकालना था जीरो। तो भाई इतना नोट करो, इसको रफ करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा, तो फटाफट लाइक करो भाई, एक क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया, लाइक करो सभी स्टूडेंट, गर्दा उड़ेगा भाई हर एक क्वेश्चन का उड़ेगा, लेकिन लाइक करो सभी स्टूडेंट वीडियो को। अब क्वेश्चन हम लिखेंगे ना तब उसके बाद में सॉल्व करेंगे, बड़ा मजा आएगा भाई, क्वेश्चन सेम है। तो अगर हम 12 लिखते हैं, आपके पास अगर बुक है तो आप लोग पहले से ही लगाने लगो, जिनके पास नहीं है डॉक्टर विनोद कुमार राइटर की, तो उनके लिए हम लिख देते हैं। कहता है यहाँ पे क्वेश्चन 12 में जेड बोला है, जेड इज ए फंक्शन, देखो भाई फंक्शन पे ध्यान देना है, कंडीशन पे, जेड इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, ठीक है। फिर लिखा है कामा करके, एंड इफ, हमने लिखा एंड इफ, फिर बताया x के इक्वल e की पावर u है, हमने ठीक है, प्लस e की पावर माइनस b, हमने ठीक है, और y के इक्वल क्या बोला है, e की पावर माइनस u है, हमने ठीक है, माइनस e की पावर v, हमने कि ठीक है। आगे लिखा है प्रूव दैट, यहाँ पे लिखते हैं प्रूव दैट, क्या प्रूव करने के लिए बोला है, देखते हैं भाई क्या प्रूव करने के लिए बोला है, डेल जेड के अपान में कहता है डेल यू है, फिर माइनस डेल जेड के अपॉन डेल वी है, इक्वल में एक्स, डेल जेड के अपॉन में डेल एक्स माइनस डेल जेड के अपॉन में डेल वाई है, ये प्रूव करने के लिए बोला है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने आपको बताया था कि आपको देखना है भाई फार्मूला कौन सा लगेगा, तो कैसे पता करोगे बताओ भाई, क्वेश्चन 11 में समझाया था कि प्रूव दैट से कोई मतलब नहीं, ये अपने आप हो जाएगा, ये प्रूव अपने आप हो जाएगा, केवल ये पता करो फार्मूला कौन सा लगेगा। तो कहाँ से पता चलेगा, ये जो फंक्शन है ना
कहता है एक्स एंड वाई में यहाँ से और ये जो कंडीशन है ना यहाँ से, हमको पता चल गया अभी जो यूज किया था वैसे ही यूज करना भाई, वेरिएबल चेंज हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, पांचवा ही फार्मूला लगेगा जो बेसिक में हमने आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम फंक्शन लिखते हैं गिवन दैट, अब लिखा भी एफ जेड बोला है एक्स एंड वाई, ठीक है वेरिएबल में कंडीशन आपको लिख लेना है, हमने कंडीशन लिखी एक्स इक्वल ई की पावर यू प्लस ई की पावर माइनस बी, फिर वाई देख लो ई की पावर माइनस यू फिर क्या है माइनस ई की पावर वी, हमने देख के लिखा देख लो एक्स के इक्वल ई की पावर यू प्लस ई की पावर माइनस बी, ठीक है फिर वाई के इक्वल है ई की पावर माइनस यू माइनस ई की पावर बी, इतना क्लियर है। अब आपको यहाँ से देखना है एक्स की देखो यू बी में, तो यू और बी आपको पकड़ लेना है, मतलब चाहे वाई की देख लो चाहे एक्स की देख लो आंसर शीट, मतलब वैल्यू एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू से हमें क्या पता चल गया यू और बी पता चल गया। ठीक है, अब यू के लिए आपको काम करना है, अब यू किस में है इसमें भी है इसमें भी है, मतलब एक्स और वाई, तो एक्स और वाई यू एक्स और वाई के लिए यूज करना है। ठीक है, अगर हम बात करें बी की तो बी किस किस में है इसमें भी है इसमें भी है, तो एक्स और वाई, तो आपको क्या करना है यू के लिए फार्मूला बनाना है और बी के लिए, तो एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगा एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगा, ये प्रूव अपने आप हो जाएगा, हमने आपको बताया प्रूव दैट से नहीं पता करना है और पता भी नहीं चल पाएगा कि कौन सा फार्मूला लगाना है, गिवन दैट से पता चलता है कि फार्मूला कौन सा लगाना है। तो हमें पता चल गया यू के लिए एक्स और वाई यूज करना है, बी के लिए एक्स और वाई, समझ गए, मतलब फर्स्ट टर्म में डेल एक्स का मल्टीप्लाई डेल एक्स का डिवाइड, सेकेंड टर्म में डेल वाई का इंटू डेल वाई का डिवाइड, ऐसे करके यूज करना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे वी नो दैट, पता तो चल गया ना कि फार्मूला कौन सा यूज होगा। तो देखो पहले आपको फंक्शन लेना, हमने ले लिया फंक्शन, फिर यहाँ से हमने क्या ले लिया यू के लिए काम करोगे, ठीक है फिर फंक्शन, अब पहला टर्म इसके लिए मतलब एक्स लेना है तो डेल एक्स का डिवाइड दे दो पहले मल्टीप्लाई बाद में, और ये वाला यहाँ पे लिख लो फिर प्लस, अब देखो फंक्शन फंक्शन के अपान में ये, फिर इसके बाद में ये जो है ना यू ऐसे रखना, मतलब बाई से सेकंड टर्म बनेगा एक्स से फर्स्ट टर्म बनेगा। अब देखो कैसे, अब आपको पता है एक्स की वैल्यू यू वी के टर्म में है, तो यू के विद रिस्पेक्ट टू आपको करना है पार्शियली डिफ्रेंशिएट करो भाई यू के, तो ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि ये कॉन्स्टेंट रहेगा, तो ई की पावर यू ही मिलेगा, ई की पावर क्या मिलेगा यू ही मिलेगा, ठीक है प्लस डेल जेड के अपान में डेल वाई, अब देखो डेल वाई अपान डेल यू है तो वाई के इक्वल है यू के विद रिस्पेक्ट टू करना है आपको पार्शियली डिफ्रेंशिएट, तो ये तो जीरो हो जाएगा इसका, तो ई की पावर माइनस का यू, ठीक है अब इसका अगेन करोगे माइनस निकलेगा मतलब माइनस वन, तो माइनस से काम चला लो, अब इसको साइड करके लिख लो तो डेल जेड के अपान में डेल यू, ठीक है साइड करके लिखोगे यहाँ पे लिखो चाहे यहाँ पे लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, देखो डेल जेड के अपान में डेल यू, तो इसको आगे लिख लो, हमने लिखा ई की पावर यू डेल जेड के अपान में डेल एक्स, ठीक है फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ई की पावर माइनस यू, फिर बाद में इसको लिख लो डेल जेड के अपान डेल वाई, तो डेल जेड के अपान डेल वाई, ठीक है इसे इक्वेशन क्या डालना है फर्स्ट डालना है, हमने आपको बताया था यू के लिए इक्वेशन हो जाएगा अलग और बी के लिए अलग हो जाएगा, ठीक है अब बी के लिए काम करेंगे तो कैसे करोगे, पहले फंक्शन फंक्शन जेड है फिर यहाँ पे ये लिखना बी, फर्स्ट टर्म इससे लिखा जाएगा पहले फंक्शन फिर मल्टीप्लाई डिवाइड डेल एक्स से, ठीक है और यहाँ पर बी ही लिखा जाएगा, ठीक है ओके प्लस फिर फंक्शन फिर वाई ले लो, हमने वाई ले लिया ठीक है इनटू इनटू कर लिया डिवाइड कर लिया, ये बी है यहाँ पे लिखो ओके, अब डेल जेड के अपॉन डेल एक्स ऐसे लिखो, इसकी आंसर शीट बताओ मतलब विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो आंशिक अवकलन करना है बी के सापेक्ष एक्स की जो वैल्यू है
यहां से ये जीरो हो जाएगा क्योंकि यहां पे यू है, यहां पे बी, इसका करना है तो ई की पावर बी का ई की पावर बी, लेकिन अगेन करोगे ना तो माइनस निकलेगा, तो माइनस मान रखो चाहे केवल और केवल माइनस रख लो, ठीक है। अब यहां पे आते हैं डेल जेड के अपन डेल वाई। अब बताओ यहां पे वाई है ना बी के विद रिस्पेक्ट टू करना है, वाई है ना बी के विद रिस्पेक्ट टू करो, ये तो जीरो हो जाएगा, यू कांस्टेंट रहेगा, इसका करो तो ई की पावर बी का ई की पावर बी, लेकिन आगे माइनस है वो तो आपको लिख लेना है। अब इसके बाद में देखो इसको आगे लिखते हैं डेल जेड के अपॉन में डेल एक्स, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ए की पावर बी डेल जेड के अपॉन में डेल वाई, ठीक है। ये किसके इक्वल चल रहा है लिख दो भाई, जिसके इक्वल चल रहा है इसे इक्वेशन क्या डाल दो, सेकंड डाल दो। अब इन दो इक्वेशन का यूज करके ये आंसर शीट प्रूव करना है। तो देखो डेल जेड के अपॉन डेल यू, तो डेल जेड के अपॉन डेल यू आंसर शीट निकल गई, फिर यहाँ पे लिखा डेल जेड के अपॉन डेल बी निकल गए। क्या करना है, बीच में माइनस है तो इसमें से ये घटाना है, मतलब इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड माइनस कर दो, काम हो जाएगा भाई। तो क्या करें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम लिखते हैं, इसको हम रफ करेंगे, जल्दी नोट करो आंसर शीट तो आ जाएगी। इसको हम करते हैं रफ, अब फ्रॉम इक्वेशन लिखते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड, जल्दी जल्दी नोट करो, यहाँ पर हम आगे बढ़ाते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट लिख लो डेल जेड के अपॉन में डेल यू, और ई की पावर यू डेल जेड के अपॉन में डेल एक्स, जल्दी जल्दी लिख लो, इक्वेशन हो गया ये फर्स्ट। अब सेकेंड लिख लो डेल जेड के अपॉन डेल बी, ठीक है, माइनस ई की पावर माइनस बी और डेल जेड के अपॉन में डेल एक्स, ओके, माइनस ई की पावर ऐसे रखो और फिर ऐसे लिख लो, इसे इक्वेशन क्या डाल दो, सेकंड डाल दो। चलो इसको इक्वेशन डालेंगे फिर आपको बताएंगे कि क्या करना है इसमें, माइनस करना और क्या, क्या कर दो, सबट्रैक्ट कर दो, यहाँ पे क्या लिख दो, सबट्रैक्टिंग घटाने पर सबट्रैक्टिंग करो, तो ये माइनस ये प्लस, ठीक है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है प्लस, प्लस है तो माइनस, तो डेल जेड के अपान में डेल यू माइनस का डेल जेड के अपान में डेल बी, ठीक है, इक्वल में कॉमन ले लो, कॉमन मिला है डेल जेड के अपान में डेल एक्स, ठीक है, ई की पावर यू लिख दो, फिर प्लस ई की पावर माइनस का बी लिख दो, कॉमन ले लिया, इसमें ऐसे कॉमन ले लो, तो क्या कॉमन मिला बताओ भाई, यहाँ पे हमें माइनस चाहिए चाहिए तो माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो और डेल जेड के अपान डेल वाई कॉमन ले लो, डेल जेड के अपान में डेल वाई कॉमन ले लो, ठीक है। अब देखो क्या बचा है, माइनस कॉमन ले लिया तो ये तो प्लस का हो गया, ये प्लस का लिखना है लेकिन माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं से मिल जाएगा आंसर सीट, देखो कैसे, ये तो मैच हो गए, ये जो है यहाँ पे देख लो इक्वल में मैच करना है, इक्वल में क्या करना है, मैच करना है, तो पहले हम लिखते हैं इसको फिर मैच करवाते हैं। देखो ये किसके इक्वल है, मतलब x चाहिए ना, तो आपको पता है ये देखो e की पावर u प्लस e की पावर माइनस b, ये किसके इक्वल है, x के रख दो, ठीक है, डेल z के अपान में डेल x, फिर माइनस ये किसके इक्वल है, यहाँ पे देख लो बाई के इक्वल है, रख दो, तो हमने रखी बाई और डेल जेड के अपान में डेल वाई, ये आंसर शीट निकल आए, नोट कर लो सभी स्टूडेंट। अब बताते हैं भाई, हमने बताया था कि जो चार क्वेश्चन है सेम सॉल्व है इनका, एक समझ जाओ हो जाएंगे, ओके। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नेक्स्ट 13 की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, 13 की बात करेंगे। आप सभी स्टूडेंट क्या करो, लाइक एक कर दो वीडियो को, सभी स्टूडेंट जल्दी जल्दी करो लाइक, अगर नए स्टूडेंट हो चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है चैनल भी साथ में सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना है क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है, जब भी हम नई क्लास लाएंगे तो YouTube द्वारा नोटिफिकेशन मिलेगा आपको रैपिड फायर की तरह, मजा आ जाएगा भाई ऐसे करके, क्योंकि आपको पता है मैं कैसा पढ़ाता हूँ A to Z,
ए टू जेड पढ़ाता हूँ। ए टू जेड से क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अगर ए टू जेड आप पढ़ो ना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन कहीं से आए, ये जो बुक है ना, ये क्वेश्चन कहीं से आए आप सॉल्व कर दोगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट के चक्कर में ना रहो, मोस्ट इम्पोर्टेंट के चक्कर में ना रहो, उसे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। पता लगा जो यूनिवर्सिटी में आए हुए क्वेश्चन हैं हम उनको ही सॉल्व करवा दें, आपको भी पता है हमको भी पता है कि वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं जो पूछे गए हैं यूनिवर्सिटी में, तो वही हम यहाँ पे करवाएं जो आए हुए हैं क्वेश्चन, तो उसे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, फिर उसे रटना बोलते हैं। बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर पढ़ा रहे हैं, वही पढ़ा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, और उनको पूरा आता भी नहीं है। हम आपको बता रहे हैं वही मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ाएगा जिनको पूरा नहीं आता है। जैसे ए टू जेड की अगर बात करें, मैं पढ़ाता हूँ ए टू जेड। मैंने ये बोला आपसे कि आप पढ़ो भाई, जो यूनिवर्सिटी में आए हुए क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करो, वही पूछे जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करना है तो ए टू जेड पढ़ना सीखो, नहीं तो आप भी वही झोला टांगे घूमते रहोगे भाई। टॉपर कौन बनेगा? टॉपर वही बनेगा जो कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ता है, जो रटता नहीं है। बहुत से यूट्यूब पे टीचर पढ़ा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ा रहे हैं, उसे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा? नहीं होगा, ये एक्सपीरियंस है, इसलिए बोल रहा है। टीचर को क्या, भविष्य आपका खराब होगा। टीचर को क्या है भाई, उसने पढ़ाया यूट्यूब पे चाहे कोचिंग में ले लो, उसको क्या आपके नंबर खराब आए, उसको क्या है बताओ? उसकी उसका भविष्य खराब होगा? नहीं होगा ना, आपका भविष्य खराब होगा। तो आपको देख सुन के पढ़ना है कि कौन सही पढ़ाता है कौन नहीं पढ़ाता है, नहीं तो टीचर तो बहुत है वही फिर बोलते हैं हम 50 रुपए के टीचर, आइए हमने रटाया आप भी रटिए। बहुत सारे पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, छान लो ऐसे करके, छान लो चैनल, वही चला रहे हैं। एग्जाम्पल सॉल्व बुक वाले वही सॉल्व करवाएंगे, ए टू जेड नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि उनको कभी भी ए टू जेड आता ही नहीं है, कभी भी नहीं आएगा उन्हें, ना ही आपको पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं करवाएंगे। तो ऐसी पढ़ाई पढ़ने से क्या फ़ायदा जो रटना पड़े, ऐसी पढ़ाई पढ़ने से क्या फ़ायदा जो रटना पड़े। ऐसी पढ़ाई पढ़ो कॉन्सेप्ट क्लियर करके। मोस्ट इम्पोर्टेंट चक्कर में भागोगे, पास तो हो जाओगे लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी वही बंदा प्राप्त करता है जो समझ के पढ़ता है भाई। तो जो हमने आपको समझाया उतना आपको समझ में आया है कि ए टू जेड पढ़ने से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ने से कभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। चाहे कंपटीशन की बात करो, चाहे कंपटीशन की बात करो, चाहे क्लासेस की बात करो, मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ने से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। एक हम ही तो हैं जो बताते हैं, नहीं तो बाकी जितने टीचर हैं बस ये फंसेगा वो फंसेगा, बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं बहुत सारे टीचर। मैंने कभी भी बच्चों का भविष्य नहीं खराब किया, मैंने यही बोला है कि रटो ना, समझो। जैसे अगर क्वेश्चन 13 की बात करें, देख लो यहाँ पे, यहाँ पे बोला है इफ एक्स के इक्वल जाई, यहाँ पे जाई है, फिर कॉस अल्फा है माइनस का ईटा साइन अल्फा है, एंड वाई के इक्वल जाई है इनटू में साइन अल्फा है, ठीक है, प्लस का ईटा है, ईटा इसे पढ़ेंगे ईटा, इसको पढ़ेंगे जाई, तो यहाँ पे अल्फा है, फिर क्या बोला है प्रूव दैट। देखो प्रूव करना है भाई, क्या प्रूव करना है, डेल टू यू के अपान में डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस डेल टू यू के अपान में डेल वाई स्क्वायर इक्वल डेल टू यू के अपान में डेल जाई के स्क्वायर, ठीक है, प्लस डेल टू यू के अपान में डेल ईटा स्क्वायर, ये प्रूव करना है। तो आपको पता है कि हमको कहाँ से पता चलेगा कि फार्मूला कौन सा लगेगा, तो बताओ भाई आप लोग कि कौन सा लगेगा फार्मूला, कहाँ से पता चलेगा? फंक्शन से और कंडीशन से। देखो यहाँ पे फंक्शन नहीं है तो आपको पता है x और y में कंडीशन है, तो फंक्शन यहाँ पे देखो u है, तो u फंक्शन हमको मिल गया,
मतलब प्रूव दैट जो बोला है ना यहाँ पे दिख गया फंक्शन, जैसे क्वेश्चन में नहीं है कोई दिक्कत नहीं, प्रूव दैट से हमको पता चल गया फंक्शन यू है, जो यू है एक्स एंड वाई में है और एक्स के लिए वाई के लिए ये कंडीशन है, तो फार्मूला तो यही लगेगा। क्वेश्चन 11 12 सॉल्व किया वैसे ही ये होगा, समझ गए। सबसे पहले गिवन दैट लिख लो, अपने पास से फंक्शन लिख लो, यू लिख लो, यू एक्स गांव वाई, ठीक है लिख लिया। अब कंडीशन देख लो, कंडीशन कंडीशन है एक्स इक्वल जाई कॉस अल्फा माइनस का ईटा साइन अल्फा, फिर वाई के इक्वल जाई साइन अल्फा प्लस का ईटा कॉस अल्फा, ठीक है ईटा कॉस अल्फा, थोड़ा ईटा ऐसे कर देना, ठीक है अगर ऐसे बनाओगे तो ये नहीं लगेगा, थोड़ा घुमा देना नीचे। अब देखो जैसे x की वैल्यू देख लो y की वैल्यू देख लो, तो जाई और ईटा मिला है, मिला है, तो आपको जाई के लिए फार्मूला कैसे बनाना है वो सीख लो। आपको जाई के लिए काम करना है, मतलब जाई के लिए एक फार्मूला बनाना है, वो भी x और y का यूज करके, मतलब फर्स्ट टर्म में डेल एक्स का मल्टीप्लाई डेल एक्स का डिवाइड और सेकंड टर्म में डेल वाई का मल्टीप्लाई डेल वाई का डिवाइड, समझ गए। जाई के लिए पहला फार्मूला बनेगा। फिर अगर हम बात करें ईटा, चाहे यहाँ पे देख लो जाई ईटा ही है, तो ईटा के लिए बात करें, ईटा भी आपको पता है दोनों में एक्स की वैल्यू भी है वाई की वैल्यू भी है ईटा, तो एक्स और वाई, ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला बना इसके लिए, समझ गए। प्रूफ दैट से आपको पता नहीं करना है कि फार्मूला कौन सा लगेगा, प्रूफ दैट से नहीं पता करना है, ये आंसर हिट अपने आप आ जाएगी, जब आपको ये पता चल जाएगा फार्मूला कौन सा लगेगा अपने आप आ जाएगी। जैसे क्वेश्चन 11 और 12 सॉल्व किया, प्रूफ दैट से कोई मतलब था नहीं था, इससे जो इक्वेशन बनेगा, इससे जो बनेगा दो इक्वेशन है उसी से ये प्रूफ हो जाएगा, दो इक्वेशन बनाना है पहला और दूसरा, समझ गए। अब इसके बाद कैसे लिखना है फार्मूला देखो, समझते रहना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वी नो दैट, हमने क्या लिखा वी नो दैट, तो देख लो यहाँ पे जाई है, तो पहले फंक्शन लेना है, हमने ले लिया और यहाँ पे जाई लिख दिया, ठीक है फंक्शन, फिर आपको पता है फर्स्ट टर्म इससे बनेगा, तो डेल एक्स का मल्टीप्लाई डेल एक्स का डिवाइड, फिर इसके बाद में ये यहाँ पे लिखना है जाई, फिर जाए लिखोगे हाँ, फिर सेकंड टर्म इससे बनेगा, पहले फंक्शन हो गया, अब y है ना, तो डेल y का डिवाइड और डेल y का इनटू, फिर इसके बाद यहाँ पे डेल जाए, ठीक है अब वैल्यू निकालते हैं, तो डेल u के अपान में डेल जाए, ओके ठीक है, डेल u के अपान में डेल x ऐसे ही रखो। अब देखो डेल x अपान डेल जाए, तो x की जो वैल्यू है उसी का पार्शियली डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू जाई के, तो देख लो एक्स यही है जाई के करोगे तो ईटा तो कांस्टेंट रहेगा भाई, अगर आप इसकी निकालोगे जाई के विद रिस्पेक्ट टू करोगे तो ईटा क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा भाई, जैसे आप पार्शियली डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स के तो वाई क्या होता है कांस्टेंट होता है ऐसे ही जाई के साथ ईटा कांस्टेंट रहेगा, तो समझो भाई, तो ये तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जाई का करोगे वन रहेगा, तो क्या निकलेगा कॉस अल्फा निकलेगा, क्योंकि जाई का वन होगा ना भाई, छोटे बच्चे हो क्या, एक्स वन होता ना जब सेम टू सेम है वन होता है, तो जाई है जाई का वन साइन अल्फा होगा, नहीं नहीं कॉस अल्फा होगा एक्स का, देखो एक्स कॉस अल्फा होगा, फिर यहाँ पे आ जाओ डेल यू के अपान डेल वाई, अब बताओ यहाँ पे बाई की देख लो जाई के विद रिस्पेक्ट, ये तो जीरो हो जाएगा, जाई का बन होगा साइन अल्फा निकलेगा, ठीक है ओके भाई इतना क्लियर हुआ। हाँ अब इसको रफ करते हैं, ये तो आपने समझ लिया कि जाई के लिए काम हुआ है, किसके लिए हुआ है जाई के लिए, जैसे फार्मूला आपने टी वन के लिए टी टू के लिए बनाया था ना याद किया वैसे यहाँ पे। तो मेरे प्यारे बच्चों कॉस अल्फा पहले लिख लो और साइन अल्फा पहले लिख लो, तो डेल यू के अपान में डेल जाई
ठीक है, इक्वल हमने लिखा कॉस अल्फा पहले और डेल यू के अपान में डेल एक्स प्लस साइन अल्फा पहले लिखा और डेल यू के अपान में डेल वाई ये लिखा। अब देख लो आंसर शीट में, तो आंसर शीट में ये देखो हमको इसकी वैल्यू चाहिए तो कैसे मिलेगी, यहाँ पे तो ऑर्डर मेरा वन है, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर का पार्शियली डिफरेंशियल है, तो जाई के विद रिस्पेक्ट टू कर दो डिफरेंशिएट, जाई के विद रिस्पेक्ट टू कर दो, तो यहाँ पे लिख लो पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू जाई के, अगेन कर लो तो इसका क्या हो जाएगा डेल टू यू के अपान में डेल जाई स्क्वायर यही हो जाएगा। अब इसको कैसे लिखोगे हम आपको बताते हैं, पता तो है 10.1 का बेसिक पढ़ा ना, तो हमने आपको बताया था इसे कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेल अपान डेल जाई और डेल यू के अपान में डेल जाई ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। अब वैल्यू रखना है डेल यू अपान डेल जाई ये है और डेल अपान डेल जाई यहीं से, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यू 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 हटा देना है भाई, अगर यू 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 हटा दें तो इसकी वैल्यू यहीं से पता चलेगी, ये तो आपको मिला ही है, तो दोनों वैल्यू यहीं से आपको रखना है क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो देखो जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो u यहाँ पे नहीं है तो हटा दो, तो cos अल्फा डेल अपॉन डेल x और यहाँ पे प्लस का sin अल्फा डेल अपॉन डेल y, तो u u u हटा दिया तो इसकी वैल्यू पता चल गई। अब इसकी रखना है डेल u अपॉन डेल y यहीं से रख लो, तो cos अल्फा डेल u के अपॉन डेल x प्लस का sin अल्फा और डेल u के अपॉन में डेल y, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, इसकी आंसर शीट निकलेगी कैसे, इसका एक दफ़ा इस पूरे में इंटू करना है, उसके बाद में इसका फिर इसमें इंटू करना है, तो कैसे देखो कॉस अल्फ़ा और डेल अपॉन डेल एक्स पूरा ब्रेकेट लिख लो, कॉस अल्फ़ा डेल यू के अपॉन डेल एक्स प्लस का साइन अल्फ़ा डेल यू के अपॉन में डेल वाई, इतना क्लियर हुआ ठीक है। अब सेकेंड टर्म के लिए ऐसे ही लिखो प्लस का साइन अल्फ़ा डेल यू के अपॉन डेल वाई पूरा ब्रेकेट लिख लो, इसको लिखने के बाद में क्योंकि एक दफ़ा इसका इस पूरे में इंटू हुआ है लिख लिया, फिर इसका इस पूरे में इंटू करके लिखना है, तो कॉस अल्फ़ा और डेल यू के अपॉन में डेल एक्स प्लस का साइन अल्फ़ा डेल यू के अपॉन में डेल वाई, ओके। अब देखो यहाँ पे जैसे अगर बात करें डेल अपॉन डेल एक्स इसका मीन्स क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जाई के, तो इसका मतलब यही तो होता है कि दोनों साइड आपको इतना लिखना है, है? तो ऐसे ही आपको करना है यहाँ पे, इसका करना है जो आपको दिख रहा है ये इसी का करना है पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, ठीक है। इसे कॉस अल्फा तो ऐसे लिखेंगे हम, अब देखो जैसे यहाँ पे कॉस अल्फा ऐसे रखो, समझ गए ये कॉन्स्टेंट रहेगा, यहाँ पे आ जाओ एक्स दिख रहा है फंक्शन भी दिख रहा है, इसका इसके साथ हो जाएगा डेल टू यू के अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखो साइन अल्फा ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे फंक्शन है तो फंक्शन का तो होगा भाई, वाई कॉन्स्टेंट होता है, वाई कॉन्स्टेंट होता है लेकिन फंक्शन का तो होता ही है, तो जब इसका करेंगे तो क्या मिलेगा डेल टू यू के अपॉन में पहले एक्स है तो एक्स लिखो बाद में वाई, ओके ये आपने समझ लिया, जैसा ये समझा है ऐसे वहाँ पर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे साइन अल्फा ऐसे ही लिख लेते हैं, अब तो समझ में आ गया, धड़ाधड़ कर दो, तो जब इसका करेंगे डेल टू यू के अपान में तो एक्स पहले लिख लो वाई बाद में, क्योंकि अगर वाई पहले लिख लिया और ये वाला बाद में कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू सेम होती है डेल एक्स डेल वाई अपान में या फिर डेल वाई डेल एक्स वैल्यू सेम होती है, बेसिक पढ़ा चुके ना एक्सरसाइज 10.1 में, ठीक है। अब प्लस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, अब इसका इसके साथ तो डेल टू यू के अपान में डेल वाई स्क्वायर, इतना क्लियर हुआ। अब देखो हम क्या करेंगे डेल टू यू अपान डेल एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर कहीं दिख रहा नहीं दिख रहा, तो ये सिंगल है इंटू कर लो, जब हम इंटू करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस से कॉस होगा ना कॉस स्क्वायर अल्फा इतना मिलेगा, जब इसका इसमें इंटू करेंगे तो डेल एक्स डेल वाई, नीचे देखो यहाँ पर देखो तो ये लाइक टर्म है तो प्लस कर लो ना साइन अल्फा कॉस अल्फा, देखो कैसे हमने लिखा साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा और इसको लिखा डेल टू यू के अपान में डेल एक्स डेल वाई लिखा, जब इसका इसमें इंटू करोगे यही मिलेगा, यही यहाँ से मिलेगा तो प्लस कर लो हो गया टू, अब ये सिंगल टर्म है
तो साइन का साइन में इंटू करो तो साइन स्क्वायर अल्फा आ गया। इसको ऐसे ही लिखो डेल टू यू के अपान में डेल वाई स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ, ये वैल्यू निकली है, ये वैल्यू निकली है डेल टू यू के अपान में डेल जाई स्क्वायर निकली। ओके, अगर हम बात करें इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल दो, इक्वेशन फर्स्ट डाल दो, क्योंकि हमने पहले ही बोला था कि आपको जाई के लिए यूज करना एक्स वाई और ईटा के लिए, ये बोला था, तो जाई के लिए यूज हो गया, एक इक्वेशन बन गया। अब इसके बाद में करना क्या है, इसकी वैल्यू पता चल गई। अगर हम इसकी बात करें, इसकी निकालोगे ईटा के लिए काम करोगे, तो जितना काम इसके बाद किया है यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर आपको उतना ही करना पड़ेगा भाई। जाई के लिए जितना काम किया यहाँ से यहाँ तक, ईटा के लिए भी इतना ही काम करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक। तो मैथ में क्या होता है कि अगर एक जैसा काम हो रहा है, अगर एक जैसा काम हो रहा है तो आपको इसी प्रकार से लिख देना है। एक जैसे काम को बार बार नहीं किया जाता है, मैथ में रूल है, गणित में एक रूल बनाया गया है कि एक जैसा काम हो तो उसको बार बार नहीं किया जाता है, सिमिलरली से लिखा जाता है इसी प्रकार से। तो हम सिमिलरली से लिखेंगे, देखो कैसे समझना है भाई। अगर हम यहाँ पर सिमिलरली लिख देते हैं, लिखोगे कैसे हम आपको आइडिया देते हैं। जैसे ईटा के लिए लिखना है डेल टू यू के अपान में डेल ईटा स्क्वायर, ठीक है, डेल टू यू के अपान में डेल ईटा स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हमें आंसर शीट लाना है, आंसर शीट देख के मतलब इसके इक्वल ये लाना है, क्योंकि ये मिल गया ये हम निकालेंगे। कैसे मिलेगा देखो, जैसे आपको दिख रहा साइन कॉस ये सेम रहेगा, ये जो पार्शली डिफरेंशियल कोफिशियंट, पार्शली डिफरेंशियल कोफिशियंट बोलते हैं इनको, ये सेम रहेंगे, ठीक है। साइन के स्थान पे कॉस लिखना है, देखो इधर साइन के स्थान पे क्या लिख देना है, कॉस लिख देना है, और कॉस के स्थान पे क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना साइन। इतना काम करो, साइन के स्थान पे कॉस और कॉस के स्थान पे साइन लिख देना है इस वाली आंसर शीट में, तब ये पता चल जाएगा हमको। देखो कैसे, यहाँ पे कॉस है तो हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। इसको ऐसे ही रखो सिमिलरली, फिर बाद में हम चिन्ह बताएंगे, बाद में जैसे ये चिन्ह बताएंगे, अभी तो ऐसे ही हम लिख लेते हैं यही वाले चिन्ह, बाद में बताएंगे, पहले ये समझो फिर चिन्ह बताएंगे कैसे आपको यूज़ करना है। तो क्या बताया, साइन के स्थान पे कॉस लिख लो तो ठीक है, और कॉस के स्थान पे साइन लिख लो, आपने लिख लिया, और डेल टू यू के अपान में डेल एक्स, ये तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऐसे ही रखना है, और साइन के स्थान पे क्या बताया था, कॉस, डेल टू यू के अपान में डेल वाई स्क्वायर, इसे इक्वेशन क्या डाल दो, सेकेंड डाल दो, ठीक है। अब आपको चिन्ह लेना है, चिन्ह कैसे लेना है, आंसर शीट देख कर, मतलब हमको लाना क्या है उस हिसाब से ये चिन्ह बदले जाएंगे, उस हिसाब से बदले जाएंगे। जैसे हमको लाना है ये डेल टू यू अपन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू यू अपन डेल वाई स्क्वायर, तो यहाँ से और यहाँ से मिलेगा, तो ये क्या करो, इसको माइनस कर दो, क्योंकि जब हम प्लस करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, इन दो इक्वेशन को प्लस करेंगे, इन दो इक्वेशन को प्लस करेंगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से और यहाँ से मिल जाएगा ये और ये, समझ गए। अब क्या कर दो, इनको प्लस कर दो, ठीक है। इसको हम रफ करते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसको पहले रफ करते हैं फिर एड करेंगे। ये आपने चिन्ह समझ लिए, चिन्ह कैसे चेंज करना है, आंसर शीट देख के चिन्ह बदलेंगे सिमिलरली जब लिखो, इतना ध्यान रखना। तो हम क्या करेंगे, इसको भी हटा देते हैं और एक लाइन यहीं पे हम क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं, लंबी लाइन कर लो और यहाँ पे लिख दो एडिंग, यहाँ पे क्या कर लो एडिंग, ठीक है, एडिंग हो गया। नहीं दिख रहा है दोबारा लिखते हैं, नहीं दिख रहा है तो दोबारा, तो यहाँ पे क्या लिख देना है, एडिंग, एडिंग लिख लो। जब एडिंग लिखा तो आपको पता है ये वाला और ये वाला कैंसिल होगा, यहाँ से कॉमन ले लो ये, ठीक है, और इसको पहले लिख लो डेल टू यू के अपान में डेल जाई स्क्वायर प्लस का डेल टू यू के अपान में
डेल ईटा स्क्वायर, ईटा सही से बनाना है नहीं तो एन लगेगा, ये ईटा है। इक्वल में हमने फर्स्ट टर्म में क्या बोला, कॉमन ले लो, हमने ले लिया कॉमन, डेल टू यू के अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्या मिला, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ से कॉमन ले लो ये, ठीक है, हमने ले लिया डेल टू यू के अपॉन में डेल वाई स्क्वायर, यहाँ से कितना मिला, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा। अब ये पता है बन होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, बन होता है। तो जैसे ही बन डालेंगे केवल और केवल क्या मिलेगा, इतना वहाँ पर बन डाल दो डेल टू यू के अपान में डेल वाई स्क्वायर। और आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, बन होता है ना, ठीक है। अब इसको कैसे लिखूँ, डेल टू यू के अपान में डेल एक्स स्क्वायर और डेल टू यू के अपान में डेल वाई स्क्वायर, ये किसके इक्वल आंसर शीट है, डेल टू यू के अपान में डेल जाई स्क्वायर प्लस का डेल टू यू के अपान में डेल ईटा स्क्वायर। ईटा सही से बनाओ, ईटा क्या करो, सही से बनाओ, ठीक है। अब क्या करना है, इसको इस साइड लिखना है, इसको इस साइड, तो ये मैच हो जाएगा आंसर शीट। नोट करो इतना, ये क्वेश्चन तो आपने समझ लिया ना, हमने पहले बोला था ये चार क्वेश्चन जो हैं सेम इनका सॉल्व है, तो सेम जब सॉल्व है तो क्या दिक्कत है, जब सेम सॉल्व है तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इस साइड लिखते हैं, डेल टू यू के अपान में डेल एक्स स्क्वायर डेल टू यू के अपान में डेल वाई स्क्वायर इक्वल डेल टू यू के अपान में डेल जाई स्क्वायर प्लस का डेल टू यू के अपान में डेल ईटा स्क्वायर। नोट कर लो, ये हमको लाना था। अब बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन 14, उसका भी गर्दा उड़ा ही देते हैं, तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, जैसा बताते हैं ना सिंपल मेथड, पूरे यूट्यूब पे चैलेंज है, कोई बता ही नहीं सकता। ये जो सिंपल तरीके से सॉल्व करवाते हैं ना, कोई नहीं बताएगा। जो 50 रुपए के टीचर हैं ना, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ही पढ़ाते हैं, उनके बस का नहीं है इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर दें, उनके बस का नहीं है जो ये क्वेश्चन सॉल्व कर दें, और उन्हें कर दें, कोई भी टीचर हो अगर कर दे तो भाई पढ़ाना छोड़ देंगे। जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, अगर इनको सॉल्व कर दें पढ़ाना छोड़ देंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन टीचर आपको मिल जाए और कह दे कि ये जो क्वेश्चन है चार हम लगा देंगे, तो मेरे देखने के बाद तो लगा ही देगा, मेरा देख लेगा लगा हुआ तो लगा देगा, फिर हम इसके अलावा क्वेश्चन देंगे उसको लगा के दिखा दे। भाई ये ऐप जो लोगों ने बनाया है ना, ये भी काम नहीं करते हैं, ये ऐप जो बनाए हैं, जो आप ऐसे करके ढूंढते हो क्वेश्चन का सॉल्व, वो भी नहीं दे पाएंगे इन क्वेश्चनों का सॉल्व। ऐप किसने बनाए, भगवान ने बनाए हाँ, मेरी तरह टीचरों ने बनाए हैं। जब 50 रुपए के टीचर हैं तो ऐप भी तो होगा 50 रुपए का, तो इन क्वेश्चनों का सॉल्व मिलेगा हाँ, मिल ही नहीं सकता, तो टीचर ने ही बनाए हैं ऐप। तो जब टीचर को नहीं आता तो ऐप में क्या रखा, मिलेगा नहीं, कभी भी देखना ऐसे करके फोटो खींचना और फिर करना सर्च, ये ऐप जो बनाए हैं लोगों ने, ये क्वेश्चन चार में से कोई से मिल जाए भाई तो कमेंट करके जरूर बताना, पहले मिलेगा ही नहीं। अब देखो क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 14 की बात करेंगे, इफ x प्लस का y इक्वल में 2e की पावर थीटा, ठीक है, और इनटू में cos y एंड x माइनस y इक्वल में 2i e की पावर थीटा इनटू में sin phi, और यहाँ पे वेयर बोला है कि आई की जो वैल्यू है माइनस वन, ये तो आपको पता है क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस वन होती है, ये तो आप जानते हो। फिर आगे क्या लिखा है, सो दैट, क्योंकि अगर यहाँ से पावर हटाए ना तो क्या मिलेगा, इतना मिल जाएगा, ठीक है, एक ही बात है, चाहे ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो, एक ही बात है, एक ही बात है भाई। क्या प्रूव करना है, यहाँ पर देख लो, डेल टू यू के अपान में डेल थीटा स्क्वायर, फिर क्या बोला है, प्लस डेल टू यू के अपान में डेल फाई स्क्वायर इक्वल में फोर एक्स वाई डेल टू यू के अपान में डेल एक्स डेल वाई, ये प्रूव करना है थीटा और फाई। ओके,
मजा आ जाएगा भाई, इस क्वेश्चन का भी उड़ जाएगा गर्दा। तो अब लास्ट क्वेश्चन है, बुक बंद कर दें, इसको सॉल्व करने के बाद आराम करना है आपको। तो ठीक है, सॉल्व लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, गिवन दैट, ठीक है। तो पता तो है आपको कि फंक्शन जो है वो किस वेरिएबल में, देखो यू यू है, तो आपको बताया अगर हम बात करें फंक्शन यू है, यहाँ पे फंक्शन लिख लो। जैसे अभी क्वेश्चन 13 में, मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन अगर हम 13 की बात करें, किसकी बात करें, क्वेश्चन 13 की, अभी जो सॉल्व हुआ था उसमें फंक्शन नहीं था तो ले लिया था, तो यहाँ पर भी फंक्शन ले लेते हैं। अब आपको बताना है फंक्शन किस वेरिएबल में है। तो अगर x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई अगर सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू मतलब निकाल लेंगे, y की निकाल लेंगे, थीटा और फाई में निकलेगी। तो फंक्शन x और y में रहेगा, x और y में, ये तो कंडीशन है। ये क्या है, कंडीशन। कंडीशन बनेगी तब जब इनको सॉल्व करोगे। जैसे x प्लस वाई के इक्वल टू ई की पावर थीटा और कॉस फाई है, और क्या है, x माइनस का वाई है ना, देख लो वहाँ पे 2i e की पावर थीटा इंटू में साइन फाई 2e की पावर थीटा कॉस फाई, x माइनस वाई के इक्वल 2i e की पावर थीटा साइन फाई, ठीक है। इसे एक क्वेश्चन फर डाल दो, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकाल लेना है, क्योंकि इतना हमें पता चल गया कि थीटा के लिए एक फार्मूला लगाना है, x बाई यूज करना है, और फाई के लिए एक फार्मूला यूज करना है, मतलब बनाना है फाई के लिए, x और y वेरिएबल, मतलब फर्स्ट टर्म इससे हो जाएगा, सेकंड टर्म इससे, यहाँ पर भी ऐसे। तो कंडीशन से हमको पता चल गया फार्मूला कौन सा लगेगा, पांचवा ही फार्मूला लगेगा, पांचवा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करो, एक दफ़ा ऐड कर दो, जब हम करेंगे एडिंग, एडिंग करते हैं पहले, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इक्वल, यहाँ पे कॉमन देख लो, 2 मिला और e की पावर थीटा मिला, 2 मिला और e की पावर थीटा मिला, ऊपर वाला cos phi छोड़ देगा, यहाँ पे प्लस का i sin phi, तो ये फार्मूला होता है cos, ये आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, cos थीटा प्लस का आई साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ई की पावर आई थीटा, ये फार्मूला होता है। तो फार्मूला यूज़ कर लो, यहाँ पे फाई फाई है और टू से टू काट लो पहले, तो हम यूज़ करेंगे ई की पावर आई फाई, ठीक है। तो एक्स कितना आ गया, मल्टीपल में पावर प्लस होती है, तो थीटा प्लस आई फाई, ये कंडीशन बनी है, ठीक है। अब ऐसे ही आपको इक्वेशन फिल लेना है, इस बार क्या करेंगे, बाई की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस कर देना है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोबारा लिखो पूरा पूरा। अगर एक सी वैल्यू डाल दो, जैसे एक सी वैल्यू डालोगे फिर भी बाई की वैल्यू निकलेगी, लेकिन थोड़ा टफ रहेगा, दोबारा इन इक्वेशनों को लिख लो और फिर सबट्रैक्ट कर दो तो बाई की वैल्यू निकल आएगी। इसको हम रफ करेंगे, तो x प्लस वाई के इक्वल क्या है, 2e की पावर थीटा है और कॉस फाई है, ठीक है। फिर क्या है, x माइनस का y इक्वल में 2i e की पावर थीटा और इंटू में साइन फाई, ये 1 रहा और ये 2 रहा। अब देखो यहाँ पे क्या कर देंगे, घटाने पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, घटाने पर, सब्ट्रैक्टिंग। तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट गया, तो 2y मिला। अब यहाँ से 2 मिला कॉमन, e की पावर थीटा मिला, तो ऊपर कॉस फाई और माइनस का i साइन फाई, यही बचा, फार्मूला होता है भाई, माइनस है तो e की पावर में माइनस आ जाएगा, तो 2 से 2 काट दो, y के इक्वल e की पावर थीटा, ये फार्मूला होता है, e की पावर माइनस i फाई, ठीक है। तो y के इक्वल क्या मिल गया, e की पावर, मल्टीपल में पावर प्लस होती ना, प्लस कर लो, एक ये कंडीशन है, ठीक है। अब फार्मूला लगेगा भाई थीटा के लिए, तो वी नो दैट, लगाते हैं फार्मूला, वी नो दैट। तो पहले फंक्शन लेना है यू, हमने लिख लिया यू, फिर यहाँ से थीटा लेना है, फिर इसके बाद एक्स के लिए फर्स्ट टर्म लिखा जाएगा फंक्शन के अपान में, एक्स का डिवाइड मतलब डेल एक्स का डिवाइड, डेल एक्स का मल्टीप्लाई, फिर ये यहाँ पे लिख देना, फिर बाई के लिए सेकेंड टर्म हो जाएगा। अब आपको पता है कि यही लगेगा ना, ओके। अब वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो थोड़ा वहाँ पे स्पेस है, इतना नोट करो,
तो यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, क्योंकि जितना स्पेस हमें मिल रहा है इतने से हो जाएगा, फिर इस साइड रफ करके बता देंगे। तो डेल यू के अपान में डेल थीटा, डेल यू के अपान में डेल थीटा। अब डेल यू अपान डेल एक्स लिख लो, हमने लिखा डेल यू के अपान डेल एक्स। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, डेल एक्स अपान डेल थीटा, तो एक्स की वैल्यू थीटा के टर्म में है और थीटा के ही विद रिस्पेक्ट टू आप पार्शियली कर रहे हो, तो कहाँ गई एक्स, ये है। तो ई की पावर का, ई की पावर होता है तो हम ऐसे ही लिख देते हैं, ई की पावर में थीटा प्लस आई फाई। अब अगेन करना है, पावर का अगेन करोगे तो ये फाई कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि थीटा के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियली डिफ्रेंशिएट करो तो फाई क्या रहेगा, कांस्टेंट, जीरो हो जाएगा, और थीटा का वन, तो वन ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। अब सेकंड टर्म में आ जाओ, प्लस डेल यू के अपान में डेल वाई, जितना बता रहे हैं इतना क्लियर हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो यहाँ पे वाई की वैल्यू थीटा के टर्म में है, ये देखो, और क्योंकि पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा के, तो यहाँ पर आंसर शीट बोलो कितनी आएगी। तो ई की पावर में ई की पावर ही रखो, हमने रखा थीटा माइनस का आई फाई, ठीक है, थीटा माइनस आई फाई। अगेन करोगे पावर में जो है, अगेन करोगे तो फाई तो कांस्टेंट है, जीरो मिलेगा, माइनस जीरो और प्लस वन, तो वन आएगा, ना लिखो। अब कैसे लिखना है इसको, पहले लिख लो ई की पावर थीटा प्लस का आई फाई और डेल यू के अपॉन डेल एक्स, फिर यहाँ पे आ जाओ ई की पावर थीटा माइनस का आई फाई और डेल यू के अपॉन डेल वाई, ठीक है। ये डेल यू अपॉन डेल थीटा अभी निकला है, मतलब फाई के लिए अभी रुकेंगे थोड़ी देर, क्यों, क्योंकि पहले इसके लिए पूरा काम करते हैं, क्योंकि हमको चाहिए ये सेकंड ऑर्डर का चाहिए, अभी फर्स्ट ऑर्डर का निकला है। अब सेकंड ऑर्डर का क्वेश्चन अभी 13 हुआ ना, जाई के लिए सेकंड ऑर्डर के निकाली थी, क्योंकि ऐसे यहाँ पे निकालना है, तो इसको हम रफ करेंगे, इसको हम रफ करेंगे, अभी इसको आगे बढ़ाएंगे ना, क्योंकि डेल टू यू अपॉन डेल थीटा स्क्वायर चाहिए। तो नोट करो भाई, देखो कैसे, आपको समझते रहना है और क्या, हम तो आपको बता ही देंगे कि करना क्या है। देखो इसके आगे यहाँ से लिखना है, हमें ये निकालना है डेल टू यू के अपान में डेल थीटा स्क्वायर, कैसे लिखोगे इसे, डेल अपान डेल थीटा और डेल यू के अपान डेल थीटा। अब इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू यहीं से आपको रखना है, कैसे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हटा देना है, यू 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 हटा देना है, तो देखो कैसे, ई की पावर थीटा प्लस आई फाई डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है, प्लस ई की पावर थीटा माइनस आई फाई फिर डेल अपॉन डेल वाई, ठीक है, ऐसे करके आपको इसकी वैल्यू रखना है इससे। अब इसकी वैल्यू तो यहाँ पे यू है तो साथ में यू लेके रखो, तो ई की पावर थीटा प्लस आई फाई डेल यू के अपॉन डेल एक्स प्लस ई की पावर थीटा माइनस आई फाई और डेल यू के अपॉन डेल वाई, ठीक है। अब क्या करोगे, जैसे 13 वाले में बताया था, मतलब डेल टू यू के अपॉन में डेल जाई स्क्वायर निकलवाया था, ऐसे ही यहाँ पे निकालेंगे। देखो कैसे, पहले टर्म का इसमें इंटू करेंगे पूरे में, तो क्या करेंगे, ई की पावर थीटा प्लस का आई फाई, ठीक है, और डेल अपॉन डेल एक्स। अब ये पूरा पूरा छाप लो, ई की पावर थीटा प्लस का आई फाई और डेल यू के अपॉन में डेल एक्स। अब यहाँ पे आ जाओ, ई की पावर थीटा माइनस आई फाई और डेल यू के अपॉन डेल वाई, ठीक है, हो गया। अब सेकंड टर्म का भी इंटू कर लो, तो प्लस ई की पावर थीटा माइनस आई फाई और डेल अपॉन डेल वाई, पूरा ब्रेकेट छाप लो, पूरा ब्रेकेट छाप लो, पूरा ब्रेकेट क्या करो छाप लो, तो प्लस ई की पावर थीटा माइनस आई फाई डेल यू के अपॉन डेल वाई, पूरा ब्रेकेट छाप लिया। अब देखो इन दो टर्म का पार्शली डिफ्रेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, ये एक्स है ना, तो आगे जो है इसे ऐसे लिख लो। अब देखो कैसे करोगे, जैसे यहाँ पर तो आपको पता है ये तो कांस्टेंट है, इसे ऐसे रखो, इसका जब ये करेंगे ना तो सेम टू सेम है, तो क्या हो जाएगा, डेल टू यू के अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, जब इसका इसके साथ होगा ना, ये कांस्टेंट है ऐसे रखो, इसका जब इसके साथ होगा डेल टू यू के अपॉन में, जो वेरिएबल पहले उसे पहले लिखो, जो बाद में उसे बाद में लिखो, ठीक है, हो गया। अब आ जाओ यहाँ पे, ई की पावर थीटा माइनस आई फाई, अब इसका ऐसे करो, तो ये कांस्टेंट है तो ऐसे ही हम लिख देंगे, इसका इसके साथ होगा ना, डेल टू यू के अपान में क्या आएगा, डेल वाई डेल एक्स आएगा, लेकिन यहाँ पे एक्स पहले वाई बाद में, तो आप भी क्या करो, एक्स पहले लिख दो, क्योंकि अगर देखी जाए इसकी और जो पहले लिखा था उसकी आंसर इक्वल होती है,
तो इसीलिए ऐसे लिखो, समझ गए। अब इसका इसके साथ होगा थीटा माइनस आई फाई, ऐसे लिखो। अब इसका जो इसके साथ होगा ना, तो डेल टू यू के अपन में डेल वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इनटू करेंगे, इसका इसमें इनटू करो, तो इसका जब इसमें इनटू करेंगे थीटा, मतलब मल्टीपल में पावर प्लस होती है, तो थीटा थीटा टू थीटा, ठीक है। और यहाँ पे आई फाई टू, आई फाई टू कामन ले लो, टू ऐसा करो कामन ले लो, टू कामन ले लो थीटा प्लस का आई फाई, ओके। और ये डेल टू यू के अपन में डेल एक्स स्क्वायर लिख दो, इसका इसमें इनटू करेंगे तो आपको होता आई फाई कैंसिल हो जाए, क्योंकि मल्टीपल में क्या होता है पावर प्लस होती हैं, प्लस होती हैं, तो प्लस और ये माइनस कट गया, थीटा थीटा क्या हो जाएगा टू थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसका हो गया, और इसको लिख लो डेल टू यू के अपान में डेल एक्स डेल वाई। जब इसका इसमें इनटू करोगे तो यहाँ से ई की पावर टू थीटा और इतना मिलेगा, तो इतना ही मिलेगा जब इनटू करोगे, तो प्लस करेंगे इतना हो गया। अब इसका इसमें इनटू करो आई फाई, आई फाई भी प्लस होगा और थीटा भी प्लस होगा, तो कैसे लिखोगे, ई की पावर टू कॉमन ले लो थीटा माइनस आई फाई, और क्या होगा डेल टू यू के अपान में डेल वाई स्क्वायर, ठीक है। ये निकली है आंसर शीट, डेल टू यू के अपान में डेल थीटा स्क्वायर, ये निकली है, ठीक है। तो इसे इक्वेशन डाल दो, वन टू पढ़ चुका ना, थर्ड डाल दो, तो ये निकला ये आंसर शीट। अब क्या करेंगे, हमें इसकी निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी जो आंसर शीट हमने निकाली है, तो हमको बहुत कुछ लिखना पड़ा, मतलब टाइम लगा ना। अगर जितना टाइम इसकी आंसर शीट निकालने में लगा, उतना ही टाइम इसकी आंसर शीट निकालने में लगेगा। तो आपको पता है कि मैथ में एक रूल है कि अगर सेम काम होता है, मतलब अगर एक जैसा काम है तो हम करते नहीं हैं, सिमिलरली से लिखा जाता है, इसी प्रकार से आपको लिख देना है, क्योंकि फिर इतना ही टाइम लगेगा, तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जितना टाइम, जैसे 15 मिनट या 10 मिनट इसमें लगे, 10 मिनट लगे तो 10 मिनट इसमें लगेंगे, और सिमिलरली से नहीं लगेगा। तो सिमिलरली से लिख लो भाई, हम बता देंगे कैसे लिखोगे। जैसे क्वेश्चन 13 में हमने आपको बताया था कि क्या करना होगा, कि डिफरेंशियल कोफिशियंट सेम रहते हैं, और साइन के स्थान पर कॉस, कॉस के स्थान पर साइन, ये बोला था। लेकिन यहाँ पर ये है, समझ गए, ये थीटा प्लस का आई फाई है और थीटा माइनस आई फाई है, तो यहाँ पे क्या चेंजिंग होगी बताओ। यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होगी। अगर हम बात करें एक्स की जो हमने वैल्यू निकाली और वाई की जो वैल्यू निकाली, तो ई की पावर में ये निकाली, तो अगर हम बात करें वाई के लिए, मतलब अगर किसके लिए काम करोगे, थीटा के लिए हो ही गया, अगर फाई के लिए काम करोगे, फाई में भी एक्स और वाई यही यूज करोगे भाई, ई की पावर ही यूज करोगे। मतलब यहाँ पे केवल क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पर फाई, यहाँ पे फाई आएगा, बाकी तो यही रखना पड़ेगा, यहाँ पे रखना पड़ेगा, कोई चेंजिंग ना करो, कोई चेंजिंग ना करो, केवल साइन आपको देखना है। क्या देखना, साइन बता देंगे, साइन, और कहीं कुछ चेंजिंग नहीं होगी इसमें। पूरे पूरे आपको टर्म छापना है, एक दो तीन, केवल और केवल आपको क्या देखना है कि हमको ये लाना कैसे आएगा। आपको पता है कि ये जो है दिख रहा है, तो ये दो टर्म, शुरू वाला और लास्ट वाला कैंसिल होगा भाई, तो अगर ये प्लस का है ये वाला, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे जब इसकी निकालेंगे। चिन्ह तो आपको आंसर शीट से देखना है कि कैसे हमको सेट करना है, सिमिलरली तो लिखना ही है। अगर आप बेसिक से निकालोगे ना, बेसिक से जैसे हम यहाँ पे लिखवाएंगे ना, वही निकलेगी भाई, वही निकलेगी। अगर निकालो तो आप निकालो, निकलेगी वही, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम रफ करते हैं। अब सिमिलरली से लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सिमिलरली से, तो देखो कैसे हमने लिखा है यहाँ पे सिमिलरली। अब इसको लिखो डेल टू यू के अपान में डेल फाई स्क्वायर, देखो सब कुछ छाप लो, ई की पावर टू थीटा प्लस का आई फाई, ठीक है, और डेल टू यू के अपान में डेल एक्स स्क्वायर, फिर टू ई की पावर टू थीटा, डेल टू यू के अपान में डेल एक्स डेल वाई, और ये वाला छाप लो टू थीटा माइनस आई फाई, थीटा माइनस आई फाई, और डेल टू यू के अपान में डेल वाई स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ। अब देखो हमने क्या बोला था
कि चिन्ह आपको ध्यान देना है, क्योंकि हमें ये लाना है, ये कैसे आएगा? और ये आपको पता है हम प्लस करेंगे, ये वाला प्लस होगा, तो प्लस में ये वाला और ये वाला कट जाए, मतलब स्टार्टिंग और लास्ट वाला कट जाए, क्योंकि हमें ये लाना, तो ये तो तभी मिलेगा ना जब प्लस करोगे, तभी मिलेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो चिन्ह ऐसे करके रखना है आंसर शीट देख कर। अगर बेसिक से निकालोगे इसके आंसर शीट, बेसिक से लगाओ तो यही निकलेगी, समझ गए, यही निकलेगी। अब इक्वेशन हम इसको क्या डाल दें, 4 डाल दें, इसको इक्वेशन क्या डाल दिया, 4 डाल दिया। अब क्या करना है, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को प्लस करना है, क्या करना है, प्लस करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, प्लस करेंगे तो आपको पता है ये टर्म इससे कैंसिल होगा, ये टर्म इससे कैंसिल होगा, तो ये और ये प्लस हो जाएगा, और इक्वल के मेरी तरफ ये और ये प्लस हो जाएगा, तो डेल टू यू के अपान में डेल थीटा स्क्वायर, डेल टू यू के अपान में डेल फाई स्क्वायर, इक्वल में ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये केवल हो जाएगा, टू और टू कितना हो जाएगा, फोर ई की पावर टू थीटा, और डेल टू यू के अपान में डेल एक्स डेल वाई, इतना आ गया, ये मैच हो गया। अब ये फोर एक्स वाई चाहिए, फोर तो मैच हो गया, केवल एक्स वाई चाहिए यहाँ पे, कैसे मिलेगा एक्स वाई बताते हैं। जैसे आपने एक्स की जो आंसर शीट निकाली थी, एक्स की क्या निकाली थी, ई की पावर में थीटा प्लस आई फाई ये निकाली थी, वाई क्या निकाली थी, ई की पावर थीटा माइनस आई फाई यही निकाली थी, यही निकाली थी बताइए, हाँ यही निकाली थी। तो देखो कैसे हम क्या करेंगे, इसको टू थीटा है ना, तो हम क्या करेंगे, थीटा थीटा दो जगह लिख लेते हैं, और यहाँ पे आई फाई कर देते हैं प्लस का, और यहाँ पे माइनस का आई फाई कर देते हैं, ठीक है, और इन दोनों को प्लस कर देते हैं, क्योंकि आई फाई कैंसिल हो जाए, थीटा थीटा टू थीटा, तो यहाँ से हम ब्रेक कर लेंगे, मतलब यहाँ से ब्रेक कर लेंगे, क्योंकि मल्टीपल में पावर जब प्लस होती है तो ब्रेक भी कर सकते हो, तो एक्स और वाई रख देंगे, आ जाएगा खट से, ठीक है, डेल टू यू के अपान में डेल एक्स डेल वाई, इसको और लिखो। अब इसको ब्रेक करेंगे, देखो कैसे, हमने लिखा फोर ई की पावर थीटा प्लस का आई फाई, ठीक है, और इनटू में ई की पावर थीटा माइनस आई फाई, ऐसे ब्रेक हमने कर लिया, इसको तोड़ लिया है, तोड़ लिया, क्योंकि ये जो है किसके इक्वल है, एक्स के, और ये वाई के, तो फोर एक्स वाई रख दिया, क्योंकि ये निकाल ही चुके हैं हम पहले, कंडीशन निकाल ही चुके हैं ना, ठीक है, और डेल टू यू के अपान में डेल एक्स डेल वाई, और यहाँ पे आपको लिखना है डेल टू यू के अपान में डेल थीटा स्क्वायर प्लस डेल टू यू के अपान में डेल फाई स्क्वायर, ये लो, ठीक है, क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ। आंसर शीट देख लो, मैच कर लो, आंसर शीट मैच कर लो, डेल टू यू के अपान में डेल थीटा स्क्वायर डेल टू यू के अपान डेल फाई इक्वल फोर एक्स वाई डेल टू यू अपान डेल एक्स डेल वाई, तो चार क्वेश्चन थे मेरे प्यारे बच्चों, चार क्वेश्चन थे। अब अगली क्लास में हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करवाएंगे। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों में, ठीक है, जहाँ जहाँ आपके दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।